चलिए अब हम डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स ए दिया है और हमें फाइंड आउट करना है कि यह डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो वह 3x3 है, क्योंकि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब हम चेक करेंगे क्या यह एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स देखते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। अब हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखें, जो कि ये हैं, और उन्हें हम लिख सकते हैं। हमें पता है एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जब होता है जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 के इक्वल हो, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह गिवन मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम चेक करेंगे कि क्या यह स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं। स्केलर मैट्रिक्स के हिसाब से अगर हम देखें, डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 0, 0, 0 हैं, जो कि इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। अब चेक करते हैं क्या यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमें पता है एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वह इक्वल होने चाहिए, पर 1 के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर हम देखें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल तो हैं पर वो सब 0 हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है।